इस वीडियो में आगे देखिए। बहुत सी बार कुछ हादसे इंसानी दिमाग की समझ से परे होते हैं। यह 10 ऐसे ही रहस्यमय हादसे जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। पिछले कुछ हफ्तों से वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप को दिल्ली का बताया जा रहा है। साल 2021 में रिकॉर्ड हुई इस सीसीटीवी फुटेज में दो आदमी सड़क से गुजरते दिखाई पड़ते हैं और इसी दरमियान एक हैरतअंगेज हादसा घटित होता है। वीडियो को जूम करके देखने पर यहां तीन लोग दिखाई देते हैं। हालांकि यह तीसरा व्यक्ति कौन था कोई नहीं जानता, क्योंकि वो नीचे गिरे हुए आदमी के शरीर से निकला, सामने वाले शख्स को धक्का दिया और फिर से वापस उसी आदमी के शरीर में समा गया। इंटरनेट पर इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए बहुत सी थियरीज दी जा रही है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से सफेद शर्ट में आता हुआ शख्स उसे लूटने की फिराक में था, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही कुछ लोगों के अनुसार ये महज वायरल होने के लिए बनाई गई एक एडिटेड फुटेज है, यानी कि अब आप इसे रक्षा करने वाली अनजान शक्ति मानते हैं या फिर एडिटेड वीडियो फुटेज, ये आप पर निर्भर करता है। जनवरी 2021 के दौरान एरिजोना के आसमान पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे शहर के तकरीबन सभी लोग हैरत में पड़ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां बादलों ने चौकोर आकार लिया हुआ था। सफेद बादलों के चारों तरफ नीला आसमान इस प्रकार दिख रहा था मानो किसी ने अपने हाथों से इन्हें काट कर अलग किया हो। बता दें, हाल फिलहाल में कुछ अन्य जगहों पर भी ऐसे ही बादल देखे जा चुके हैं, जिसके चलते लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश का नतीजा है, और कुछ कहते हैं कि इस तरह से एलियंस हम इंसानों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस चर्च के अंदर कोई घुसना चाहता है, पर समझ पाना मुश्किल है कि आखिर वो है कौन। हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स ने बताया कि वो रात के समय एक चर्च के करीब से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने कांच से बने चर्च के दरवाजे को कागज की तरह फड़फड़ाते हुए देखा। यहां ना ही कोई तेज हवाएं चल रही थी और ना ही इस चर्च के सामने कोई इंसान मौजूद था। ऐसे में देखने वाले मान रहे हैं कि शायद कोई शैतानी शक्ति इस इमारत के अंदर घुसना चाह रही थी। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है, या फिर इस घटना को भी किसी अन्य तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? बायोलॉजी की क्लास में आपने ये तो जाना ही होगा कि अंडे से बाहर आने के बाद मेंढक पूंछ युक्त मछली के समान दिखाई देते हैं। इसके बाद वो फ्रोगलेट में विकसित होते हैं और फिर कहीं जाकर पूर्ण रूप से मेंढक बनते हैं। पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने एक सांप का छोटा सा बच्चा बन जाए। इस महिला ने देखा कि सड़क किनारे उछलकर जाता हुआ मेंढक अचानक ही सांप के बच्चे में तब्दील हो गया।
पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर इस महिला ने फेसबुक पर इस वीडियो को अपलोड किया और लाखों लोगों को अचंभे में डाल दिया। महज 6 साल की बच्ची अपनी माँ का मोबाइल लेकर व्लॉग बनाने का नाटक कर रही थी, पर कौन जानता था कि उसके नन्हे हाथों से बना यह छोटा सा व्लॉग ही वायरल हो जाएगा। बेशक इस पर आपका ध्यान तो गया ही होगा, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी एक सैंडल खुद ब खुद मूवमेंट कर रही थी, जिस पर बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। हालांकि यहाँ सैंडल के अलावा ये लड़की जो बात बोल रही थी वो भी गौर करने लायक है। वो कह रही थी कि उसके एक रिश्तेदार की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है और आज उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। तो कमेंट्स में बताएं कि क्या इस सैंडल के हिलने और उसके रिश्तेदार की मौत के बीच कोई संबंध हो सकता है। ओवरनाइट सिक्योरिटी गार्ड ने इस टेनिस कोर्ट में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। कभी उसने यहाँ रात में टेनिस खेलने की आवाजें आती सुनी, तो कभी यहाँ पड़े किसी सामान को हिलते देखा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की इन तमाम बातों का यकीन लोगों ने तब तक नहीं किया जब तक कि यह सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जानकार इन उड़ते हुए गोलों को ऑर्ब्स कहते हैं, जो कि आत्माओं की मौजूदगी की निशानी माने जाते हैं। पर साथ ही ये भी मुमकिन है कि ये बस उड़ते हुए कुछ मच्छर हैं जिन्हें कैमरा सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। खैर, इस पर आपके विचार हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर से बार बार आधी रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो ड्रोन की मदद से इसकी निगरानी रखी गई और फिर एक रात कुछ ऐसा देखने को मिला। कैमरे लगे इस ड्रोन में एक कब्र के पास कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, मगर जैसे ही ड्रोन उसके करीब जाने लगा तो वो अंधेरे में गायब हो गया। इसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये कोई इंसान ही था जो अपने किसी मरे हुए प्रिय की कब्र पर रोने आया था, या फिर ये खुद ही कोई मरा हुआ इंसान था? दोस्तों, का यह समूह जंगल में घूमते हुए एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। यहां उन्हें सूखे तालाब में एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिससे इन्होंने बात करनी चाही, मगर ये लड़की शायद बात करने के मूड में नहीं थी। Yo digo que está en droga.
sapere perché ti stai così come la mona suona qua. Ay, se me existe. Se me existe. Quiero andar mielos. Digo que está rojo. Ah, bueno. Espérenme, lo hace. Eso no existe. Vamos a ver que esté rojo. Antes vamos a ayudar. Perro, perro, vamos. जैसे ही लड़के ने उसका नाम पूछा तो वो इतनी जोर से चीख पड़ी कि इन सभी नौजवानों की फट के हाथ में आ गई और वो यहां से भाग खड़े हुए। अगर यहां हम इस लड़की की शारीरिक हरकतों पर गौर करें तो वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं लगती। साथ ही भागते हुए इन लोगों के कैमरे में वही लड़की रास्ते में एक अन्य जगह भी रिकॉर्ड हुई। दोस्तों का यह ग्रुप मानता है कि वो ला इरोना थी, जो कि चीखने वाली एक ऐसी चुड़ैल है जिसकी कहानियां सदियों से मशहूर है। दावा है कि इस अगली फुटेज में इंसानी शरीर की ताकत का असंभव नजारा रिकॉर्ड किया गया है। इस लड़के ने यहां खड़े ट्रक को ऐसे उठाकर साइड में रख दिया मानो उसके अंदर सुपरमैन की शक्तियां समा गई हो। उसे ऐसा करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और उसने अन्य ट्रक के गुजरने की जगह बना दी। बता दें, इस प्रकार के ट्रक का वजन तकरीबन 20 से 30 टन तक होता है और अब तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंसान 3 टन तक का ही वजन उठा पाया है, जिसका रिकॉर्ड भी पॉल एंडरसन ने साल 1997 में बनाया था। मतलब कि यहाँ यह शख्स पॉल एंडरसन से भी 7 गुना ज्यादा वजन उठा रहा है, जिसका मतलब निकलता है कि या तो हम इंसानों के बीच कुछ सुपर ह्यूमन छुपे बैठे हैं या फिर यह महज CGI का कमाल है। आगे हम एक इंसान को हवा में उड़ते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इस आखिरी वीडियो में भी मानो कोई सुपर ह्यूमन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हवा में लटकना किसी साधारण इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस आदिवासी इलाके में एक प्रकार का अनुष्ठान चल रहा था जिसमें हर किसी का ध्यान हवा में लटके हुए इस बच्चे पर केंद्रित था। पहले लगता है मानो यह लड़का किसी रस्सी पर लेटा हुआ है, फिर वो हवा में खड़ा हो जाता है और बाद में सिर के बल उल्टा लटकता दिखता है। उनका यह कार्यक्रम भरी दोपहर में खुले मैदान के बीच चल रहा था। देखकर लग रहा था मानो लड़का किसी रस्सी से लटका है, हालांकि दिन का उजाला होते हुए भी रस्सी का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। साथ ही यहां आसपास ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था जिस पर रस्सी बांधी गई हो, तो सवाल उठता है कि आखिर यह कारनामा कैसे किया गया होगा।